ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड़ययन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस कथित बयान पर अपनी टिप्पणी की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणावत के चरित्र को लेकर उंगली उठाई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जबकि भाजपा ने भारत माता को हमेशा माता माना है। बीजेपी ने चार शक्तियों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को लेकर चिंतित रहती है और उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी न तो महिलाओं का सम्मान करती है और न ही शक्ति का सम्मान करती है। देखिए, जिस पार्टी या दल में महिलाओं के प्रति ना कोई मान और ना कोई सम्मान, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता को माता माना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चार शक्तियों को उभारने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान, इनके उत्थान के लिए हमें कार्य करना होगा। कांग्रेस पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना शक्ति का सम्मान करता है, और जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब आने वाले 4 जून को पूर्ण रूप से देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जो भारत जोड़ो के लिए निकले थे, वो अंदर ही से टूट और फूट की स्थिति में आज उत्पन्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारने में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान भी हमारे पड़ोसी देश भूटान में जाकर वहाँ भारत और भूटान के बीच के रिश्तों को मजबूत किया है। एक तरफ है देश को बनाने वाली शक्ति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और दूसरे तरफ है देश में विघटनकारी तत्व और अपने आप ही अंदर से टूटने वाली शक्ति। अब जनता को इन दोनों के बीच में जो निर्णय जनता लेगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आशीर्वाद के साथ भारत को बढ़ाने में अपना पूर्ण आशीर्वाद जनता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के भीतर ग्वालियर का नया एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। CISF के लोग यहां आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो अब आप लोगों को पूरा मौका भी मिलेगा जाके देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, इतिहास की साक्षी होने के लिए। बहुत अभूतपूर्व कार्य ग्वालियर के लिए होगा। हमारे 7 शहरों के साथ भी हम लोगों का ग्वालियर जुड़ चुका है। मैं यही चाहता हूं कि यात्री बढ़ते रहें इन फ्लाइट्स में। अभी 1 या 2 फ्लाइट्स में अभी भी यात्री हमारे थोड़े कम हैं, उनमें वृद्धि हो ताकि ये भविष्य में भी स्थायी रह पाएं। नया ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में, अगले 4-5 दिनों में यहाँ शुरुआत हो जाएगी। CISF के भी सब लोग आ चुके हैं और सभी यात्रियों को इतिहास की साक्षी और इतिहास का एक स्मरण भी एयरपोर्ट में जरूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड़ययन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस कथित बयान पर अपनी टिप्पणी की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के चरित्र को लेकर उंगली उठाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।